चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं इक्विटी एडवांस प्रेडिक्शन का यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल। टुडे विल कवर इन दिस वीडियो लास्ट वीक चैनल परफॉर्मेंस, लास्ट वीक यूट्यूब वीडियो रिकैप, इंडेक्स व्यू फॉर नेक्स्ट वीक, स्टॉक स्पेसिफिक फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीक में हम अपने इक्विटी का जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने HCL टेक सेल दिया था, अल्ट्रा टेक सेल दिया था, उसके बाद जिल सेल कॉल थी, जिल के बाद अपोलो टायर सेल दिया था। सारे टारगेट इस वीकेंड पे अचीव हो गए हैं और सारे बड़े टारगेट हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और लास्ट वीक हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था ब्रिटानिया के लिए, ब्रिटानिया ने वहीं से सपोर्ट लिया और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गेन दिया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ मैंने ऊपर उसको लिंक दे दी है। इस वीक जो निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 11350 एंड उसके बाद 11550 और जो सपोर्ट होगा 11250 एंड 11100। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 29280, 29800 एंड सपोर्ट है 28850 एंड 28300। ये सारे लेवल जो हैं स्पॉट के हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद हमारा जो इंडेक्स व्यू है, सेक्टोरियल इंडेक्स व्यू क्या करता है, तो सेक्टोरियल इंडेक्स व्यू में पहला जो है हमारा निफ्टी फार्मा है। निफ्टी फार्मा का जो करेंट लेवल है वो जो है रिवर्सल शो कर रहा है, बट जो है मोर कंफर्मेशन की जरूरत है, तो हम वेट करते हैं कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर, वो भी रेडी है रिवर्सल के लिए, लेकिन उसमें भी अभी सिग्नल के लिए वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल जो है मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़ा है, इधर साइड मूव हो सकती है, तो इसके लेवल का ब्रेक होने का भी वेट करना होगा, चैनल पे उसका अपडेट देंगे। मंथली चार्ट में निफ्टी मेटल में हैंड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न होता है, फॉर्मेशन हो रही है उसमें। अब नेक्स्ट है स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक में पहला है हिंडाल्को। हिंडाल्को अगर सस्टेन होता है फ्राइडे के लो के नीचे, तो पहला जो टारगेट आएगा वो स्क्रीन पे होगा आपके 185। और JSW स्टील यदि प्रीवियस लो के नीचे सस्टेनेबल होगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं 281 एंड 263 टारगेट के लिए। वेदांता का व्यू है, वेदांता अगर ट्रेड करता है उस फ्राइडे लो के नीचे और सस्टेन रहता है तो उसका टारगेट होगा 148, उसके बाद 128। HDFC बैंक यदि सस्टेनेबल है थर्सडे लो, न कि फ्राइडे लो, थर्सडे लो के नीचे, तो पहला टारगेट आएगा वो होगा 2240 एंड 2150। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प होगी नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लास्ट वीक की प्रेडिक्शन कैसी लगी। इसके अलावा ये हमारे यूट्यूब का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक पे डाउट है या क्वेरी करनी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारी अपडेट देते हैं और डेली फ्री टिप्स भी दी जाती है, जो कि ऐसे ही परफॉर्मेंस होती है सारी कॉल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।